लगभग 73 वर्षों से रंगपंचमी पर होने वाले गैर का आयोजन इस बार कोरोना वायरस के भेंट चढ़ गया। इंदौर में पूरी तरह से अभी लॉकडाउन कोरोना को देखते हुए किया गया है। पुलिस प्रशासन अनुरोध करता है कि आप सभी अपने अपने घरों में रहें। प्रातः 8 बजे से खुलेंगी और दोपहर 1 बजे बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये खबर सामने आई है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपना बहुमत साबित कर दिया है सरकार का। इंदौर दुनिया का अद्भुत शहर है, मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, कृपया करके आप अपने घरों में रहिए। इन तस्वीरों को देखकर महीने पहले का वो डरावना मंजर याद आ जाता है जब कोरोना वायरस ने इंदौर की सरजमी पर दस्तक दी। हमारे हंसते खेलते खाते पीते इंदौर को जैसे पूरी तरीके से रोक दिया हो। जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जिस तरह से इंदौर जिले में जो लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर चुनौतीपूर्ण हालात बने हुए थे, ऐसे में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जो है बड़ा फैसला और मनीष सिंह को इंदौर कलेक्टर बनाया गया है। इसमें किसी को अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है, लठ पड़ते हैं, किसी को गिरफ्तारी होकर अस्थायी जेल डालते हैं, तो लोग फिर बाद में हमको ही बोलेंगे ये निर्देश मैं दूंगा। ये कोरोना के कंट्रोल के संबंध में जो सोशल डिस्टेंसिंग के ऑर्डर है उनका पूर्णतः पालन करना है। इंदौर टॉक की स्पेशल स्टोरी में आज हम आपको फिर से रूबरू करवाएंगे उन सभी किस्से कहानियों और तस्वीरों से जिसने बदल दी हर हिंदुस्तानी की और हर एक इंदौरी की ना केवल तस्वीर बल्कि तकदीर भी। लेकिन आज हम आपको ये सब क्यों याद दिला रहे हैं, इन सब तस्वीरों से रूबरू क्यों करवा रहे हैं? शायद अब आपको बचाने का, आपको समझाने का यही एक तरीका बचा था। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर देश में मरीजों की संख्या के मामले में 20,000 के क्लब में शामिल हो गया है। सोमवार रात को 440 से ज्यादा नए केसेस की पुष्टि हुई। छह महीने पहले 14 मार्च के दिन रंग पंचमी को निरस्त हुई इंदौर की गैर, वो पहला संकेत थी कि मानो अब कोरोना ने इंदौर में दस्तक दे दी है। और इसी के साथ हम इंदौरियों का परिचय दो नए शब्दों से भी हुआ। पहला 22 मार्च जनता कर्फ्यू और दूसरा 24 मार्च लॉकडाउन। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा, ये है जनता कर्फ्यू। इंदौर के लोग बड़ी संख्या में वाहन रैली निकालकर राजवा पहुंच गए और बर्तन लेकर एक साथ एकत्रित हो गए। अचानक सड़कों पर लोग आ गए उतरकर, थाली लेकर और ताली बजाकर, ये गलत। इंदौर का कोरोना सफर सोशल मीडिया में जनता कर्फ्यू से पैदा हुई पॉपुलैरिटी से शुरू होकर टोटल लॉकडाउन तक चला। नियमों को ताक पर रखते हुए बेचारे कुछ इंदौरी इंदौर में तफरी करने तो निकले, हालांकि वे घर लौटकर अपने पैर और कमर दर्द का कारण अपने घर वालों को बता नहीं सके। चलो नहीं करो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। नर्मदा जी जा रहे हो, नर्मदा जी जा रहे हो, घूमने का समय, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू लगा है। इंदौर के इतिहास में कोरोना एक ऐसा संकट बन के उभरा जिसमें इंदौर पुलिस, जिला प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, यहाँ तक कि कई धर्म गुरुओं ने 24 घंटे जी जान लगाकर लोगों की मदद की और एक नया एग्जाम्पल सेट किया। अरे भैया, किसने खाना नहीं खाया? हम होंगे कामयाब। हम लोगों ने आज कचरा गाड़ी के माध्यम से ऑर्डर लेना शुरू करवाया है। हम होंगे कामयाब। जब से लॉकडाउन लगाए हैं, बाईपास पर सेवा कर रहे हैं राहगीरों को, जो महाराष्ट्र से यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, जहाँ के भी राहगीर हैं, पानी की बॉटल, ताज़ा खाना बना हुआ देना, बच्चों के लिए बिस्किट, दूध, छाछ आदि सामग्री दोस्तों के सहयोग से प्रतिदिन हम बांट रहे हैं यहाँ पे। हम होंगे कामयाब एक दिन।
और इस कोरोना को हराने के लिए। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, अपन भी बचे और दूसरों को बचाए। लेकिन अगर हम सब चाहें तो ये एपिडेमिक हमारे को छू भी नहीं पाएगी। और इंदौर वासियों, देश धर्म, राष्ट्र धर्म, पृथ्वी धर्म, ये सब निभाना चाहिए। इंदौर बिल्कुल हरा भरा रहे। उजालों ने हमेशा ही हराया है अंधेरों को। आओ एकत्र हों, परास्त करें कोरोना जनित विषादों को। ये लॉकडाउन, ये कर्फ्यू कोई दंगे का कर्फ्यू नहीं है, या लॉ एंड ऑर्डर का मारपीट झगड़े का कर्फ्यू नहीं है, वायरस के अगेंस्ट में है। हारेगा कोरोना एक दिन, बस घर से बाहर ना निकलो, घर से बाहर ना निकलो, हारेगा कोरोना एक दिन। कहते हैं पूरे विश्व का सबसे लंबा और बड़ा लॉकडाउन भारत में लगा, और इंदौर वो शहर था जिसने देश का 21 दिनों का सबसे सख्त लॉकडाउन झेला। झेलना भी था क्योंकि शुरुआत में 300% की दर से इंदौर में पॉजिटिव केसेस मिल रहे थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 से 21 मार्च के बीच में ही 3000 से भी ज्यादा लोग विदेशों से एयर ट्रैवल कर इंदौर में आए, जिनकी शुरुआती कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना निगम के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी। बाहर से आने वाले 3138 लोगों के हमारे पास सूची है। नगर निगम की टीम प्रत्येक घरों तक पहुंचेगी और एक बार ये जानकारी इकट्ठा करेगी कि वहाँ पर कोई भी उनको सिम्टम्स तो नहीं है, जिससे अगर आगे की कोई कार्रवाई होनी है तो जिला प्रशासन के द्वारा, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा करी जाएगी। मार्च से जहाँ एक तरफ कोरोना परेशान कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ स्टेट और इंदौर लीडरशिप को लेकर कंफ्यूज थे। पहले सीएम बदले, फिर इंदौर के कलेक्टर महोदय, लेकिन कोरोना ने अपना रास्ता नहीं बदला। इंदौर की तंग बस्तियों से होते हुए पूरे इंदौर में अपनी पकड़ बनाने लग गया। ये फरवरी और मार्च में फैला है पूरा। यहाँ पर फरवरी में फैलना शुरू हो गया था, और जो हमें तीन पॉकेट्स हैं, खजराना, चंदन नगर और नयापुरा दौलत, इसमें मार्च में ऑलमोस्ट पूरे मार्च में फैल गया था। रानीपुरा, खातीवाला टैंक, चंदन नगर, खजराना, स्नेह नगर, बॉम्बे बाजार में मिले कोरोना पॉजिटिव के केसेस के चलते पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया। ना कोई बाहर जा सकता था, ना कोई अंदर आ सकता था। 8000 से भी ज्यादा इंदौरी अपने घरों में क्वारंटाइन कर दिए गए थे। संक्रमितों के घर के बाहर पोस्टर चस्पा कर दिए गए, जिसके चलते जो पड़ोसी कभी शक्कर तो कभी दूध के बहाने घर की घंटी बजाया करते थे, वो अचानक से एलियन बन गए। शहर में संक्रमण की ये तो बस एक शुरुआत भर थी, कोरोना को तो अभी इंदौर में और कहर बरपाना था। शुरुआती दौर में अस्पतालों का कोरोना पेशेंट्स को ना लेना, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देरी से आना, हॉस्पिटल्स में स्टाफ और आइसोलेशन बेड्स की कमी, लोगों का अपना कोरोना टेस्ट ना कराना, और यहां तक कि पॉजिटिव पेशेंट्स का इंदौर में बने क्वारंटाइन सेंटर से भाग जाना। इंदौर में वो सब कुछ हो रहा था जिसकी कल्पना की जा सकती थी, लेकिन हद तब पार हो गई जब सामने आया एक ऐसा वाकया जो इंसानियत और कल्पना से भी परे था, जिसने इंदौर को फिर एक बार न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज में कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। समझा कि नहीं? अगली बार लेके मत आना गाड़ी का। सर लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, उसका बेटा सरेआम हमारे सामने कूद रहा है, हमने उसको मना किया तो ऊपर से गालियां देने लगे। बैठे तो अचानक एक जगह इस तरह की घटना घटी, जिसको पुलिस ने काफी गंभीरता से लिया। जो उसके मुख्य आरोपी, उसमें जो चार लोग थे जिनका इस घटना के पीछे मुख्य रोल था, उन चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। उन पर नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। तो हम गलतफहमी में शिकार ना हो, उनसे इस तरह से ना पेश आए कि सारे मुल्क के लोगों के सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई। तो वो बेसिकली इसी तरह से बिहेव करना चाहिए। अभी जो भी मेडिकल टीम जा रही है उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जो भी कल हमारे यहाँ घटना हुई उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं। समय लगा पर प्रशासन, निगम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और मीडिया ने मिलकर इस समस्या को सुलझाया, और जब लगा कि चीजें अब सामान्य होने लगी हैं, तभी एक खबर आई कि अब इस कोरोना वायरस ने इंदौर के कोरोना वॉरियर्स को भी अपनी चपेट में ले लिया है। पुलिस परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति का दिन है। आज हमारे बहादुर एवं जांबाज निरीक्षक देवेंद्र कुमार कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में शहीद हुए हैं।
कोरोना ने लोगों को सिखाया कि जीवन को न्यूनतम में भी जिया जा सकता है। तब तक रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे दूध, सब्जी, किराना एक बड़ा मसला बन चुकी थी। जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बीतता जा रहा था, लोगों का सब्र का बांध भी टूटता जा रहा था। जहां लोग जरूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलने को मजबूर थे, वहीं जिला प्रशासन परेशान था कोरोना ग्राफ को बढ़ता हुआ देखते हुए। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल आती है। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम की प्लानिंग एवं टीम वर्क ने ऐसा कार्य कर दिखाया जो आगे जाकर भारत में एक मिसाल बना। वार्ड स्तर पर किराना वेंडर्स को साथ लाए और एक होम डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया गया, जिसकी जिम्मेदारी वार्ड प्रभारी को दी। इससे लोगों को घर बैठे ही जरूरी किराना सामग्री और सैनिटाइज की हुई सब्जियां अपने पास की ही किराना दुकान से मिलने लगी। हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन बेड्स की कमी पड़ी तो शहर के होटल्स और मैरिज गार्डन्स को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया ताकि अस्पतालों का बोझ कम हो। मरीजों की कैटेगरी के हिसाब से इंदौर के हॉस्पिटल्स को तीन भागों में बांटा गया। रेड कोरोना पॉजिटिव, येलो कोरोना सिम्प्टोमेटिक और ग्रीन जनरल। ये अपने आप में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट था जो इंदौर ने कर दिखाया, साथ ही साथ काफी हद तक ये सफल भी साबित हुआ। जिनके पास घर थे वो तो अपने घरों में लॉकडाउन थे, लेकिन इंदौर में हजारों की संख्या में कई ऐसे लोग थे जिनके पास ना रहने को घर था ना दो वक्त का खाना। इंदौर नगर निगम ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर शहर के बाहर बने राधा स्वामी सत्संग में पहुंचाया और वहां पर दो वक्त का खाना भी दिया। इंदौर पुलिस की मदद से शहर के कोने कोने में फूड्स पैकेट भिजवाए गए। एक आंकड़े के अनुसार इंदौर पुलिस द्वारा प्रतिदिन शहर के अलग अलग जगहों पर 1,00,000 से भी ज्यादा फूड पैकेट का वितरण किया जाता था। जिन मशीनों पर थी सफाई की जिम्मेदारी, अब वे कर रही थी इंदौर को सैनिटाइज। और जिन ड्रोन्स को हमने शादियों में फोटोग्राफ लेते देखा हुआ था, अब वे मशीनें हाइड्रोजन क्लोराइड का छिड़काव करते राजवाड़ा और रानीपुरा पर देखी जा सकती थी। सिलसिला यहाँ नहीं थमा। जो इंदौर कोरोना की शुरुआत में गलत कारणों से चर्चा में था, आज पूरा देश उसकी मिसाल दे रहा था। इंदौर से पूरे भारत में शुरू हुआ होम आइसोलेशन ट्रीटमेंट मेथड मील का पत्थर साबित हुआ। इससे न केवल अस्पतालों का बोझ कम हुआ, बल्कि मरीजों में भी इलाज को लेकर भय कम हुआ और लोग आगे बढ़कर टेस्ट करवाने लगे। इससे प्रशासन को भी स्थिति को समझने में सहूलियत हुई। प्लाज्मा डोनेशन ट्रीटमेंट से कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज का पहला दौर इंदौर से ही शुरू हुआ। फीवर क्लिनिक एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनकर उभर कर आया जिसने लोगों के अंदर से कोरोना की झिझक को कम किया। साथ ही साथ लक्षण दिखने पर सबसे पहले कहाँ जाना है और क्या करना है, ऐसे सवालों पर भी फुल स्टॉप लगाया। इन सब किस्सों को, इन तस्वीरों को आपको वापस दिखाने का टीम इंदौर टॉक का केवल एक ही मकसद है कि कहीं ऐसा ना हो ये दौर फिर आ जाए। इसलिए इंदौर अभी भी वक्त है, हम संभल सकते हैं। सरकार, निगम और प्रशासन क्या कर रहे हैं, ये समय अब ये सोचने का नहीं है, ना ही इस पर डिबेट करने का। उन्हें जो करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन अब ये वक्त है ये सोचने का कि हम क्या कर सकते हैं। आज इंदौर की पॉपुलेशन प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ऊपर से पड़ोसी जिलों के मरीजों का बोझ अलग। प्रशासन कितना भी कर ले, कमी तो रहनी ही है। अगर हम अभी भी यूं ही 56 दुकान पर तफरी करने जाते रहेंगे, चौक चौराहों पर मस्ती करेंगे, पाताल पानी चोरल भी घूमने जाएंगे और एनिवर्सरी मनाने फार्म हाउस पहुंच जाएंगे, तो आज जो कोरोना का ग्राफ 400 है वो कल बढ़कर 1,000 भी होगा और परसों बढ़कर 2,000 भी होगा। तो इस साल आने वाले समय में घर से बाहर का हो कोई भी काम, उसे इच्छा से नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर ही करें। शायद इसी तरीके से हम अपने घर, अपने पड़ोस, अपने शहर या शायद अंत में अपने देश को भी बचा सकें। जय हिंद। मुश्किल के उस ओर खुशियाँ